नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो पोटेशियम फ्रूट्स के बारे में कि कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं जो एक किडनी का पेशेंट ले सकता है विदाउट अपने पोटेशियम को बढ़ाए हुए। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एक किडनी के पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डाइट जो होती है उसके ट्रीटमेंट का 50% तक होता है। अगर एक पेशेंट अपने डाइट को कंट्रोल कर लेता है, उसे पता होता है उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो डॉक्टर का काम 50% तो वहीं हो जाता है। डॉक्टर जब कहता है कि आपने ये खाओ वो खाओ, अक्सर पेशेंट में दिक्कत क्या होती है, पेशेंट उसको समझ नहीं पाता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, अक्सर कंफ्यूज कर जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा। सिर्फ फ्रूट्स पे हम कंसंट्रेट करेंगे कि कौन से फ्रूट्स एक किडनी का पेशेंट खा सकता है, और इस तरह से याद करवाऊंगा कि अगली बार जब आप फ्रूट्स अपने सामने देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये फ्रूट मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। डाइट में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है पोटेशियम का, कि पेशेंट का पोटेशियम ना बढ़े किसी भी रीजन से। क्योंकि अगर पोटेशियम ज़्यादा बढ़ गया तो पोटेशियम ज़्यादा लेने से क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है, अगर ये सही अमाउंट में हो। अगर इसकी अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये मांसपेशियों को फटीक कर देता है, उनको कमज़ोर बना देता है। आपका जो हर्ट है, आपका जो दिल है, वो भी मांसपेशी का बना हुआ है। जब पोटेशियम की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो इस हाई पोटेशियम की वजह से आपके हर्ट की जो रिदम है, जो धड़कन है, वो बदल जाती है, वो ख़राब हो जाती है। और अगर इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो किसी भी टाइम किसी भी क्षण पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। तो खाने के पीछे, उसे कंट्रोल करने के पीछे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर सबसे जो हम कंट्रोल करते हैं वो होता है पोटेशियम, कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इस तरह से दूं कि पेशेंट का पोटेशियम ना बढ़े। पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए हम लो पोटेशियम फ्रूट्स एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को लो पोटेशियम फ्रूट्स लेने हैं। तो दो फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें पोटेशियम भर भर के होता है। सबसे पहले है आपका बनाना यानी केला, केला, दूसरा है कीवी। ये याद रखो कि ये दो फ्रूट्स बनाना एंड कीवी, ये आपने बिल्कुल भी नहीं खाने, किसी भी कंडीशन में नहीं खाने। कोई भी आइटम जिसके अंदर ये दोनों डले हुए हों, ऊपर से लगे हुए हों, वो भी आपने नहीं खानी। इसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, हमेशा इसको अपने अंदर बिठा के रखिए कि ये फ्रूट की बनी हुई कोई भी आइटम या फिर ये फ्रूट्स मैंने ज़िंदगी भर नहीं खाने, क्योंकि इनके अंदर इतना पोटेशियम होता है कि ये आपके हार्ट को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो। दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है कि आपने कोई भी सिट्रस फ्रूट नहीं खाना होता। नींबू को छोड़ के कोई, नींबू और पाइनएप्पल, इनको छोड़ के कोई भी सिट्रस फ्रूट आपने नहीं खाना। चाहे अंगूर है, आम है, मौसमी है, नारंगी है, कीनू है, कोई भी खट्टा फल हो आपने नहीं खाना सिवाय दो के, लेमन एंड पाइनएप्पल। इसके अलावा आप सारे खा सकते हैं। इसके बाद जो भी फ्रूट बच गया, चाहे वह स्ट्रॉबेरी है, मस्कमेलन है, आपका वाटरमेलन है, सब के फ्रूट्स आप खा सकते हैं। मगर शर्त एक और है इसके अंदर कि इसकी जो अमाउंट होती है, जो भी हम फ्रूट खाते हैं, कोई भी वेजिटेबल हम खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, इन सब के अंदर पोटेशियम होता है, कुदरती रूप से होता है। किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। तो ज़्यादा हम बोलने बंद कर दें कि आपने हाई पोटेशियम वाली चीज़ें नहीं खानी, मगर लो पोटेशियम के अंदर भी, लो पोटेशियम फ्रूट्स के अंदर भी पोटेशियम है। तो अगर आप उसकी अमाउंट ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, पोटेशियम फिर बढ़ जाएगा। तो आपने इनकी जो अमाउंट होती है उसका भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप लो पोटेशियम फ्रूट्स खा रहे हैं, जैसे आप खरबूजा खाते हैं, आप तरबूज खाते हैं, तो उसकी अमाउंट को हमेशा याद रखिए कि एक किडनी का पेशेंट पूरे दिन भर के अंदर एक कप फ्रूट से ऊपर नहीं खा सकता है। वो एक एप्पल खा सकता है, एक कप वाटरमेलन ले सकता है, एक खरबूजा ले सकता है, कोई एक फल, या आप मिक्स भी कर लो, मगर एक कप अपना लेके चलो कि इस कप को भर दूंगा ऊपर तक, काट के फल को काटा, छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको ऊपर तक कप से भरा, मेजर किया, ये आपका पूरे दिन भर का फ्रूट का कोटा है। इसको आप एप्पल से भरो, चाहे इसको आप वाटरमेलन से भरो, खरबूजे से भरो, या जो आपको पसंद है आप उससे भी भरो। तो कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल, अगर आप रो ले रहे हैं, मान लो आप खीरा ले रहे हैं, तो वो फ्रूट के कोटे में आप काउंट करो और उसको लिमिट अमाउंट में लो। क्योंकि अगर हम लो पोटेशियम फ्रूट्स को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, मान लो आपने एक कप के जगह एक पूरा तरबूज खा लिया, उसके अंदर लो पोटेशियम था, मगर वो जो लो पोटेशियम था अब ज़्यादा अमाउंट की वजह से वो हाई हो गया और आपको दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान क्या रखना है आपने कि आपने लो पोटेशियम फ्रूट भी
कम अमाउंट में लेने हैं, उसकी अमाउंट की जो क्वांटिटी है वो एक कप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रूट्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको ये जो इमेज है फ्रूट्स के बारे में, लो पोटेशियम फ्रूट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। किडनी पेशेंट के अंदर फ्रूट्स खाने हैं तो दो बिल्कुल नहीं खाने, आपका है बनाना एंड कीवी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, इससे बहुत दूर रहना क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे मौसमी है, ऑरेंज है, कीवी है, वो आपने नहीं खाना। मैंगो है, कोई भी खट्टा फल बिल्कुल नहीं खाना सिवाय दो के, वो है पाइनएप्पल एंड लेमन, ये आप दो ले सकते हैं, मगर इन सब की क्वांटिटी भी आपने ध्यान रखनी है कि एक कप से ज्यादा ना हो, क्योंकि जो फ्रूट्स रह गए चाहे वो तरबूज है, खरबूजा है, आपके सेब है, वो भी एक कप से ज्यादा अमाउंट में आप लेंगे तो आपका पोटेशियम हाई हो जाएगा, आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको अपनी अमाउंट का, क्वांटिटी का ध्यान रखना है फ्रूट्स के अंदर। अगर हो सके फ्रूट्स को अवॉइड करो क्योंकि इसको बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अपनी वेजिटेबल्स पे ध्यान दो, कौन सी वेजिटेबल खानी होती है, कौन सी नहीं खानी होती, इसके लिए जो वीडियो का लिंक है वो आपकी स्क्रीन पे ऊपर फ्लैश हो रहा है, उसको जाकर आप वेजिटेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, डिटेल इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हो। आपकी स्क्रीन पर आपको एक लिंक मिल रहा है, दिख रहा है, उस पर जाकर आप हमारी जो और डाइट की वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप सभी बहुत डेप्थ में समझ गए होंगे कौन से फूड खाने हैं, कौन से नहीं खाने। अगर आप और डिटेल चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक स्पेशल लिंक दे रहे हैं, उस पर जाकर आप अपना जो डाइट चार्ट है वो आप कंप्लीट देख सकते हो, आप हमारी और वीडियोस देख सकते हो डाइट के ऊपर। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो कि किडनी फेलियर के अंदर क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे हम अपने क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं, कैसे अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर साईं संजीवनी डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारी साइट saikidneycare.com पर जाकर, एक छोटा सा फॉर्म होता है जहाँ नेम, एज, जेंडर, कितने टाइम से दिक्कत है, क्या किडनी लेवल है, क्या उसकी कितनी बार डायलिसिस करवाते हैं, क्या आपके मेडिकल रिपोर्ट्स बोलती हैं, क्या आपके लेवल्स रहते हैं, एक बार आप भेज देते हैं तो डॉक्टर उसको स्टडी करता है और देखता है कि आपकी किडनी फेल किस वजह से हो रही है। वो डायबिटीज़ की वजह से हो रही है, बीपी की वजह से हो रही है, किसी और कारण से हो रही है। एक बार हम ये समझ लेते हैं कि आपकी किडनी फेल किस कारण से हो रही होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीटमेंट इस तरह से बताते हैं कि जो ट्रीटमेंट हो पहले आपकी किडनी फेल करने के कारण के पीछे जाके काम करे और उसे कंट्रोल में लेकर आए। दूसरा क्या करे, आपकी किडनी को फंक्शनिंग को फास्ट करके जो बॉडी में क्रिएटिनिन यूरिया लेवल पोटेशियम बढ़ रहा है उसको नीचे लेके जाए, उससे क्या होगा आपकी कंडीशन में काफ़ी अच्छा सुधार होना शुरू हो जाता है, आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी कंट्रोल हो जाती है। फायदा क्या होगा कि आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, खत्म हो जाता है आपका डायलिसिस, आप ट्रांसप्लांट से बच जाते हैं, आपकी कंडीशन स्टेबल बनी रहती है बिना कॉम्प्लिकेशन की, आप एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी लेते हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई भी डाउट रहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।